ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय मलखान की लाश जलने का वक्त आ गया, चंदन भी बैरागढ़ से कट करके सीमा पर पड़ गया, उधर आल्हा ने क्या किया? अरे तिल ग्रत घड़ा पुष्प और आटा लीनो पिंड मंगवाई और लाश उठाई नरमल खेती लीनिय ठटरी पैर पौड़ाई दोस्तों, जिस समय मलखान की लाश उठी है, अरे मुख में सूड़ दई गज रोबत हुई है प्राण अंग में भारी और घोड़ा ही सत गज छिंघारत गमकी बहती है कदम धारी और वृक्ष सबई पत झड़ कर बैठे गिर गए सकल फूल कुमिल्याई गुरुदेव, जिस समय मलखान की मैया ने अपने प्राण आधार को बिछुड़ते हुए देखा, अरे सदा काल को बिछुरत देखो अपनो प्राण प्रिय मलखान और भर डिडकार मात जब रोही तो टीके मारी उठे विद्वानी इधर तो महलों में करुण क्रंदन है और उधर अरे दो तीन सिंगार समारो भूषण पहन ले बिलखाई और पारी हतिरिया पर काजर को तो नैनन में लो तो लगाई अरे पति अनुराग बसत जाके उरता को नाही कछु सुहाई और तुरही ढाल संक सहनाई बाजन लगे द्वारी आई अरे उठी लास मलखान भीर की सबने हाथ लगाए जाय अरे पुत्र बहोरन को उदलने ले लो गोदिया में पुचकार और सत्य राम श्री राम सत्य कह चल भय वीर बिना हथियारी दोस्तों, जिस समय मलखान के पुत्र बहोरन को उदल ने अपनी गोद में उठाया, भैया मलखान की लाश में कंधा लगाकर मरघट की ओर चले हैं। अरे नवो कनूरा सिरसा बारो उड़कन लागे बजरती बारी और चार चौदह से के धूरे पे पहुंची लाश मल्हारे प्यारी में मलखान की लाश मरघट में पहुंच गई। दोस्तों, सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। चोर से चला उदल चुन चुन रच पच चिता करी तैयार और लाश उठाई नरमल खे की गंगा जल से दई तीन नहवाई अरे इत गजराज सुता सर बैठी निरखत पति को शीश नवाई अरे लगी सुबगरी थी
की सजी बराती। हीरा भाई जब गजमोतन को अतीत की याद आई कि जिन पिया के साथ में जल रही हूं, एक दिन वो खुशी का अवसर था कि हृदयेश्वर के साथ भावरे डाली थी। अरे धुरो दबाओ तो बिसियन को ता दिन भई दिवस की रात, और देवी देव मनाए हमने पारथ लड़े पिया के साथ। अरे पुष्टि हमारी थी भल मने करके दाऊ पे जकी बात, और अति सुखो पजो बा समय पे भामर परी पिया के साथी। नर डोला खदो बहो भैया परछन करो मलहम दे भाई, और सेज उठाई अति सुख पाई पत संग सोई भुजा पसारी। अरे कुल दीपक सासुल ने जाए जग में चलो ससुर को नाम, और पत्नी अपनी भुज बल नऊ से महबो नगर करो सुर धामी। अरे किला बनाई धुरे पे बैठे शंका करन लगे चौहान, और झंडा गाड़ो शत खंडा पेता पे नगिन बंधी कृपानी। सुरेश गजमोतिन अपने पिया मलखान की लाश के साथ बैठी करुण क्रंदन कर रही थी मरघट में, अतीत की याद उसकी आंखों में झूम रही थी। वो वियोग की घड़ी का वर्णन में किन शब्दों में करूं, हृदय विदीर्ण हो रहा है दोस्त। आर्य चित्र छाप श्री कृष्ण चंद्र को नीचे पवन पुत्र हनुमान, और नीचे तास भूप चंदे ले जोजर लिखो सिंह मलखानी। भक्तो अरे किला फूकी दो शंकर गढ़ को शंबर पाठ दो टंगवाय, और सो काया जब कंठ मेरे की माटी धरी धरी बिलखाई। इधर तो गजमोतिन रो रही है, और उधर वो बदकार नीच शैतान हैवान माहिल पृथ्वीराज से जाकर के बोला, ठाड़े के बिनती करते ही बना फराई। अरे ऊहे के माहिल पृथ्वी राज को अच्छी तरह में रहे समझाई, तुम्हारे के पूरन हुई गए के मालिक सुनियो के पिठौरा राय। अरे आई फुकन है लाश मलखे की बिन हथियार ही बना फर राय। सोमो को के अब नहीं मिली है के घिरी है देवरे कुमर के।
के लाल। बोलन लागे के राजा सुनो रे पिथौरा राय। अरे पहले महलत के दैयों दल को अब घर कर रहे के संग यगार। जो घटियाई के राजन करी हो के थूके तुम्हें रे सकल संसार। भैया इत मलिकान किला सकू जाए चौहान फेरी लौए। सुरेश इत मलिकान किला सकू जाए चौहान फेरी लौए। चौहान घेर लई है लहस चौहान घेर लई है। याद रखना दोस्तों, जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने फौजों का धावा किया, जहां मलखान की लाश की जलने की व्यवस्था थी, उस मरघट को चारों ओर से घेर लिया, दोस्तों हुआ क्या? अरे चारों ओरी सैर दल रूरो, अरे आए ते कोपी धनिया चौहान आगे बढ़ के तब तार ने और उदल से करो तुम यानी। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ताहर सिंह उदल से बोले, अरे सती न हुई है जर जगह पे, अरे उदल सुन ले उकान लगाए हनो मलारो मेरे दादा ने कब जा भाव तो पिथौरा राय। लिखे की कहा, अरे सीमा जहां महोबे क्यार हुक्म अदूली जोर तुम करी हो तो हम ली है रे शीश उतारी। जब पृथ्वीराज चौहान की फौजों को बनाफरों ने देखा तो आगे बढ़कर के जहां गजमोतिन की चिता रची थी, हाथ जोड़ करके उदल बोले कि भाभी गजब हो गया। अरे चारों ओरी से बात है शाही की, अरे नंगी सूज परे तलवार तब कर जोड़ी चितार ढिंग उदल गजमोतिन से कही थी उचारी।
के भाभी गिरे बिना हथियारी। गजमोदन से आंखों में आंसू भर के उदल बोले, भाभी बिना हथियार के युद्ध कैसे हो? हम लड़े न जीते बादशाह से, भाजे पे खुआरी हो तुम्हारी। और इतनी सुन गजमोदन रानी के जानिए संकट कुटुम हमारी। चंदेले कोरे नहीं रही है के जा घर हुकुम करे तो परिहारी। आरे नगर सिरस बाके तो मिले हुए ना कोई कढ़े बांध तलवार। डंका बाजे रनंगर में के ना हुए तू रही करियो के पूरण करी काज तुम्हारी। अरे रक्त बितारी कर सुमिरन कर पति को छोरी गले को हारी। आठे के फूल कटक दी ओरी तो तारी पीट हसी किलकारी। चेहला फेकन लागी गजिन की दो लगा को धारी। कायम जो मलखान की लाश जलाने के लिए चेहला चंदन के रखे थे, सत्य धर्म का स्मरण करके गजमोदनी जब चेहला फेंके है तो लोगों दुधारा बन गए दुधा। हुकुम सुनाओ मंडली कने पीनन लगे सकल सरदार। और बोले जयकरा सतबंती को गहले जोधन नीर तलवार। और कित गजराज सुता सर पर से केहनो फेकन लगी उतार। और बीन बीन झोलिया में भर ले जोधा उदय सिंह दीनार। और रतन जट मलखे को कंकन गजमोदन नीलयो बोली बचन उचार। अरे आज दिन पूती मर हमारे कर ले डट डट की तलवार। और पुत्र बहोरन सर तब उदल लाखन कहन लगे समझाए। और जो जो शीस दे हम तुमको ती जो चिता मध्य डरवाए। और सब जग पिंड दे तुम आटा दे तुम दे मूडन तेरे हर साए। और हुकुम बाकुड़ा निरतीनो है सुनत सगज भय सरदार। और सेन समूह सबई कर धाई आए को पिथौरा राय। दोस्तों युद्ध का नजारा बदल गया। फरन में बाजन लागी के कठिन कृपान।
में करण में लड़न लगे हैं अराई।
शबरे कर ले वो के लगी है बहुरी न ऐसो दाई। अरे इतनी सुन के कुशल सिंह ने मारी उदल के है तलवार, ढाल रोप गई है तो उदल ने के खाली गोहे के सूर को बार। शोले धधक रहे थे भैया, मलखान की लाश मरघट में जल रही थी, उस चिता की ओर कटमोतिन की ओर देखा उदल ने। अरे सुमिरन करके महतारी को गजमोतिन को शत्रु संभारी, भव की ज्वाल तेज तन उमगो तो मारी करदन मेरे तलवार। दोस्तों कुशल सिंह के शीश को लेकर उदल ने बहोरन से कहा कि बेटे, अरे पुत्र बहोरन मोरे दे दीनो देवो चिता मत डर भाई, फेंको शीश चिता में जब ही के तब झर लगी है गगन में जाई। जिस समय शिरसा में भयंकर समर्थना है, उदल युद्ध क्षेत्र में मचल रहा था और उधर हुआ क्या? अरे झुकी साहिबी उतर की घेरो कुमर उदय सिंह प्यारी, और कछु एक योद्धा पृथ्वी राज के सोर उदल पे परे टुराई। आरखे जिस रोई लई रे उदल ने तीनी मारा मार मचाई खाई, और बहुत सिपाही महाराज से जाकर के बोले,
धवल किया बमारन में नय रण बघड़ा बद पाई आरे कुशल सिंह और रहमत जूझे और दुई तीन ही धवल गिराए कै के तो लौट चलो रे दिल्ली को के गज आगे देऊ बढ़ाई शब्द रहो तो गहराई कै ए मच कोहरा मगोर खोजन में लाखन गए ते सना को खाई नजारा क्या था। बड़े बड़े बहादुर जवान उनके शीश कटकट करके धरती पर गिर रहे थे, खून की धार बह रही थी। अरे चढ़ो पिथोरा दहली पारो भूड़ी बढ़ी कनौजी प्यार और धादू बड़ी मोहरा पे आए तब धनुआ निगही धमकी थी और मलखान ने उदल से कहा था कि भूरा का शीश मेरी चिता में डाल देना। वही भूरा जब उदल के आगे आ गया और हुआ क्या, बोला है भूरा अरे के हट जावो तुम मोहरा से केरल खेलो जूझे धाई और उदल हंस के बोलन लागे भूरा सुन ले कान लगाई बहुत देर के ढूंढत डोले तुम न हमको परे दिखाए और मोती हमारी हाथ तुम्हारे तो क्यों राखी देर लगाए अरे कहां पिंजरिया है रे लोहे की जामे रखियो प्राण बचाए और तुम्हें कसम है बाताबे की जो तुम हमको धरो उठाए और चढ़े समरोर करे न करनी जो करनी से जाए बराए लानत बाकी जिंदगानी कुत्ते का बांधन पूरे धिरकार ओ शदन मैया की कुक्षा में धरियो बार बार अवतार अरे सूर बनाए मर जाए बेको रण में मरे तेग की धार ओ जो रज पूत मरे खटिया पे सीधो जाए नरक मझार मन अपने में गौ सिहाई
मरने वाले अपने आप मरन गए आई। दोस्तों जब उदल को सामने देखा तो भूरा की आंखों में खून के शोले धधक पड़े और हुआ क्या, बेपट्टे बाजते खिलैया जवानी। आरे उठ के तेग तो गई उदलने के और भूरा पे गई है चलाई। ढाल फट गई केड़ा तो बाली तुई अंगूर गई धार समाई। घोड़े से कूदा कि से मैं कैद करूं, लेकिन तब तक उसे होश आ गया और हुआ क्या, अरे नैना खुल गया तो जब भूरा के और उदल में के परो टुराई। के तो कल में के भूरा रही है के कल रही हो के उदय सिंह राय। अरे हुई बिकराल तो काल सो उदल मात पिता को शत संहारी। अरे करो जड़ा को है गऊ दल ने धड़ से ले गो के शीश उतारी। अरे थी जाए पड़ी है धरती पे करड़ में हुई रो के जय जयकार। दुश्मन भूरा को जब उदल ने पछाड़ दिया, उसका शीश उठाया और मलखान के पुत्र बहोरे लाल से जाकर कहा, अरे शीश काट लो जब भूरा को जाकू ले वो के बहोरन लाल। लोहू बहुत तुहर तोरे भूरा को उदल भरी है गेढ़ की ढाल। पीछे से तो उदल में ऊपर दई है खून की धार। दोस्तों जिस समय भूरा की खून की धार उदल ने गजमोतिन की चिता में डारी, चिता बुझी और आकाश मंडल से एक घोर शब्द हुआ, क्या महोबो के सिरसा उरई के दिल्ली में बहे खून की धार। अरे वही तलैया है बौरी गढ़ की वहां प्रताप पुरा को है हार। वहां चंदे लेके मारे गए है तो करहे घाट मम परिहार। I
मन में रही है पिगे तो बना फरकियार। ये वरदान तो है उगल को तुम्हारी अखे तुम फले तलवार। जो कोई शूर समर रण रोपे के ताकु मारी उड़ाई ओछार। तुम बेफिक्र करो तलवार। अरे पैरी मार के चिता में डरो ठंडो जियरा भाव हमार। को ऐसो बिंदु है पीर छत्री को खेले कलहा तीर तलवार। सन्मुख लड़े हटे नए पाछे के ये वरदान है मल्हारे प्यार। अरे जैतापुर के है मैदान में रही है पिगे बना फर प्यार। इतनी कह के चिता बुझानी मर्दो ध्यान बिसरी ना यार। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय भूरा सामंत का शीश मलखान की जिता में डाल करके उदल पुनः लौट करके युद्ध क्षेत्र में आए हैं, युद्ध की दशा भयानक थी। उदल के भाई जो धांधु थे, जो दशराज के बिंदु से बांदी के गर्भ से पैदा हुए थे, वो जब युद्ध में सामने आए तो अपने सौतेले भाई को देख करके उदल की आंखों में आंसू छलक पड़े और कहा, अरे बंस कुठार भय तुम पैदा दो कुरमा को ना सुकराय। और अकली डार रही भैया की ताको उसी सले कटवाई। अरे तासो तुम्हारे मन की हुई जाए भैया छाती जाए सिराय। और खड़ो बेंदुला को चढ़ भैया देवो तेग सी समय आई। मुनासिब जान आई थी जो मोइरा को भेद छिपाई। बोले है उदल, अरे भाई तैयारी थी दिल्ली में कन बज देते खबर कराए। और हति असलियत तुम्हारी भैया तुमको दोष लगा देना आई। हिलती भर गई रोबन लगे उदय सिंह राई। अरे भुजा हमारी तहनी टूटी बिन भैया को करे सहाय। और इतनी सुन के जब धादुए को उमगो ही ओ सोच गो आई।
नहीं तलवारी। अरे मान भंग कर चौहान के राखी लाज महोबे प्यारी और राज तिलक सुत को कर दी जो है भैया की अकेली डारी। दोस्तों इधर धांधु युद्ध को छोड़ करके अपने शिविर में लौट गए क्योंकि अपना ही परिवार मारा जा रहा था। इधर ताहर जो पृथ्वीराज के पुत्र थे वो उधर से आकर बोले, अरे ताहर वीर समर में कर जो लर जो बादल गिरे उन्हार कैसे, अरे शीशा काट के बना फरन को महबो कर दे पनिया ढारी। अरे टोला ले ली चंदा बल को ता दिन बदलो चुके हमारी, ओरे सुरजन कच होनी है के आए गए पास गुरु आधारी। दोस्तों इधर पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के नरेश लाखन का जब आमना सामना युद्ध में हुआ, पृथ्वीराज लाखन राणा से बोले, अरे पृथ्वीराज लाखन से बोले सुन ले पूत तिलक दे प्यारी, अरे अब है उम्र तुम्हारी बारी है जो तुम बांधे आए तलवारी। अरे संग नरेशन को करियत दे क्या यो कात गुलामन क्यारी, अरे ताशे लौट जाओ कनबज को लाखन मानो कही हमारी। लाखन पृथ्वीराज की बात को सुनकर के बोले के चौहान, अरे गुलाम गुलमा के तुम भक्तिल माँ प्याही लली तो गुलामन जाए, बुआ संयोगिन के हाय बदले में के डोला नीहे के अगम देख यार। तुम सुन ले वो के पिथौरा राय, लाखन की बात सुन करके दोस्तों पृथ्वीराज की आंखों में किस खून के शोले धधक गए।
एक हाथ में केड़ा के बाली तो शनमुख छाती दई है अड़ाई। स्वामी जी अरे ये के राजा शब्द भेदी चक्कर धनी है कनौजी राय। शब्द न पिरथी कोरे चूकत है तो चूके नक्षत्र कनौजी राय। सो करे मोग मिट जाए उदल ने अपनी घोड़ा पैर लगाई। अरे बादशाही की अंबारी में घोड़ा गिरो है बाज सो जाए। शब्द पकड़ लो है रे उदल ने के ओजल दैती ढाल की जाए। अब छाती पे बैठो धबल रे उदय सिंह राय। अरे पृथ्वी जानी के अपने मन में अब न बचे है प्राण हमारे। हाथ जोड़ के बोलन लागे के मेरी तकशीर माफ हुई जाए। तीरे जगह पे चढ़े नहीं पिथोरा राय। अरे आदि भयंकर तिरहन टक्कर उत भूरी ने गई है लगाई। हाथी भज गो पृथ्वी राज को जीत को डंका तो है बजाई। चेहरा के मेरे गुरजी को जुलफे रही के लपेटा खाए।